अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। QCY की तरफ से एयरबड आए हुए हैं जिनका मॉडल नंबर है QCY T20। आज मैं इन एयरबड का रिव्यू करने वाला हूं, सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बेसिकली मैं इनको एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इन एयरबड के साथ, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सारा कुछ बताऊंगा कि भाई कॉलिंग के अंदर कैसे हैं, साउंड क्वालिटी हमें कैसी देखने को मिलती है, क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, प्राइसिंग क्या होने वाली है, सभी कुछ इसी वीडियो में बताने वाला। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। सो सबसे पहले इन एयरबड की प्राइस की बात करते हैं, तो भाई इन एयरबड की अली एक्सप्रेस के ऊपर प्राइस 4680 रुपए है, ऑलमोस्ट 4700 रुपए हो जाते हैं। अगर आप लोग प्रोमो कोड वगैरह यूज करते हैं तो आप लोगों को मजीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बट यही एयरबड आप लोगों को प्राइस ओए के ऊपर भी देखने को मिलेंगे, और प्राइस ओए के ऊपर इन एयरबड की जो प्राइस है वो 6700 है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप लोग परचेज करते हैं तो भाई ये एयरबड आप लोगों को मिलेंगे 4600 रुपए में। खैर अब आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले इन एयरबड की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है, उसके बाद इन एयरबड के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और साथ में फीचर्स को भी शेयर करूंगा। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, ये है QCY T20 का बॉक्स। बॉक्स के सामने आप लोगों को एयरबड मेंशन किया गया है, बाकी आसपास QCY मेंशन किया गया है। बैक पर आप लोगों को कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। खैर बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं कि भाई बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। सो बॉक्स ओपन करते ही सामने आप लोगों को एयरबड देखने को मिल जाते हैं, और उसी के नीचे आप लोगों को एयरबड का केस देखने को मिल जाता है। एयरबड को बाहर निकालते हैं तो भाई एयरबड जो है वो काफी ज़रा खूबसूरत डिजाइन के साथ आते हैं, ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई केस को भी ओपन करके देख लेते हैं तो भाई केस भी आप लोगों को काफी ज़रा अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक यहां पर काफी ज़रा सॉलिड किस्म का यूज किया गया, और भाई केस का जो साइज है ना वो काफी ज़रा छोटा है, मतलब कि एक मुर्गी का अंडा होता है ना उससे भी छोटा यहां पर केस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफी ज़रा अच्छी बात बन जाती है। जेब के अंदर आप लोग इजीली डाल सकते हैं, इसके अलावा हाथ में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि भाई ये बड़ा केस है हाथ में फिट नहीं आ रहा, तो भाई ये चीज इनकी मुझे काफी ज़रा अच्छी लगी। इसके अलावा डाउन साइड पे देखें तो भाई मजीद कुछ और चीजें देखने को मिल जाती हैं, एक टाइप सी की केबल देखने को मिलती है, और साथ ही आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है। सो भाई यही बॉक्स कंटेंट है, अभी साइड पे करते हैं बॉक्स कंटेंट को, आते हैं अपने एयरबड्स की तरफ। सो भाई ये है QCY T20 एयरबड। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो भाई बिल्ड क्वालिटी वाइज ये एयरबड काफी ज्यादा अच्छे हैं। प्लास्टिक यहां पर काफी ज्यादा सॉलिड किस्म का यूज किया गया है, और भाई कैप के साथ आप लोगों को, मतलब कि कैप की भी जो फीलिंग है ना वो कमाल है यार, समझ सकते हो आप लोग। बाकी यार बिल्ड क्वालिटी वाइज ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ग्लोसी फिनिशिंग देखने को नहीं मिलती, वाइट कलर के हैं, और भाई डिज़ाइन भी काफ़ी ज़रा खूबसूरत। तो भाई साइज़ जो है वो काफ़ी ज़रा छोटा देखने को मिलता है, मुर्गी के अंडे से भी छोटा है यार, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़रा अच्छी लगी। हाथ के अंदर अच्छे तरीके से फिट आ जाता है, अगर आप लोग जेब में डाल के ले जाते हैं तो भाई किसी को पता भी नहीं लगेगा कि भाई आपने कोई चीज़ जो है वो जेब के अंदर रखी हुई है। खैर कैप को ओपन करते आप लोग को एयरबड देखने को मिल जाते हैं, वैसे एयरबड मैंने खुद डाले हैं, एयरबड बाहर ही थे। एयरबड की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को काफ़ी ज़रा ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है, प्रीमियम लुक के साथ आते हैं, ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। मेरे पास एक और भी एयरबड है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इन एयरबड के ऊपर आप लोग देखें ना तो भाई इन एयरबड के ऊपर आप लोगों को ना एयर टिप्स है ना वो लगे हुए नजर आएंगे, लेकिन इनके साथ आप लोगों को एयर टिप्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी साउंड क्वालिटी और भाई बेस की क्वालिटी आप लोगों को काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलती है। और इसी के साथ यार मैं इन एयरबड को ना अपने कानों में लगाता हूं, कहीं और नहीं कानों में लगा रहा हूं। खैर अब ये देखो भाई, ये एयरबड जो है ना वो नीचे नहीं गिरे भाई, आपके कानों में अच्छे तरीके से फिट आ जाते हैं भाई, कोई चांस ही नहीं है कि भाई ये नीचे गिरे, किसी सूरत भी नीचे नहीं गिर सकते यार, कानों के अंदर ना अच्छे तरीके से फिट आ जाते हैं, चाहे आपके कान बड़े हैं या छोटे हैं अच्छे तरीके से फिट आ जाते हैं। और भाई साउंड क्वालिटी की बात करूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है भाई, साउंड क्वालिटी इनकी ज़बरदस्त है, बेस क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। मेन चीज़ कि भाई ये एयरबड कॉलिंग के अंदर कैसे हैं, बेसिकली मैं इन एयरबड को पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं, और भाई मैंने अपने कई दोस्तों के साथ जो है ना वो इन एयरबड को लगाकर कॉल पे बात की है, वो कह रहे थे भाई कॉल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, और भाई बड़े अच्छे तरीके से वॉइस जो है ना वो मेरी उनको जा रही थी, और उनकी वॉइस जो है वो मुझे अच्छे तरीके से आ रही थी। भाई कॉलिंग के लिए भाई ये मुझे सबसे बेहतरीन लगे हैं। सो भाई अगर आप लोग कोई अच्छे एयरबड ढूंढ रहे हैं जिनकी कॉलिंग की क्वालिटी काफी ज्यादा जबरदस्त हो, तो भाई मैं रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड है आप लोग QCY T20 को ले सकते हैं, क्योंकि भाई कॉलिंग के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। साउंड की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लो देखने को मिली एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स, लेकिन फिर भी साउंड की क्वालिटी आप लोगों को जबरदस्त देखने को मिलती है, ये नहीं मैं कह सकता कि भाई बिल्कुल ही लो है, इन्फिनिक्स की थोड़ी सी जो साउंड क्वालिटी है वो लाउड है इसकी निस्बत। और अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हैं वो भी एयरबड के साथ, तो भाई इनके अंदर आप लोगों को 68 ms लो लेटेंसी देखने को मिलती है, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि भाई अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं गेमिंग करते हैं भाई, आप लोगों को साउंड जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आप लोगों के लिए, तो भाई मैं एयरबड कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ना नेकबड रिकमेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग एयरफोन यानी कि जो वायर्ड एयरफोन होते हैं उनको यूज करें, या फिर
हेडफोन को यूज़ करें जिनके साथ वायर्ड होती है, तो वो जो है उनके अंदर लेटेंसी जो है वो जीरो होती है, तो भाई साउंड जो है ना वो आपको एट अ टाइम आ रहा होता है, लेकिन इनके अंदर आप लोगों को साउंड जो है ना वो थोड़ा सा डिले करके आ रहा होता है, तो भाई इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता गेमिंग के लिए। लेकिन जो लोग आदि हुए हैं एयरबड के, भाई हमने एयरबड लगा के ही गेमिंग करनी है, तो भाई वो डेफिनेटली इनको कंसीडर कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने इन एयरबड को 2 घंटे तक चार्ज करना है, उसके चार्ज करने के बाद आप लोग अगर ये एयरबड जो है ना वो फुल है ना, मतलब कि 100% चार्ज है ना, तो भाई 5 से 5.5 घंटे का आप लोगों को साउंड का बैकअप देंगे। अगर आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई गाने वगैरह सुन रहे हैं, तो भाई 5.5 घंटे का बैकअप देंगे। और भाई इस केस के अंदर आप लोग इन एयरबड को 2 से 3 बार चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये केस जो है वो 220 mAh का है। बाकी गाइस मैं सारे के सारे फीचर जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल जाता है, 10 मीटर की रेंज के अंदर आप लोगों ने रहना है, तभी ये एयरबड जो है ना वो आपके फोन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, वरना डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, 10 मीटर से बाहर जाएंगे डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। बाकी गाइस मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो भाई आप लोग डेफिनेटली इन एयरबड को कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने HD कॉलिंग करनी है, आप लोगों को साउंड अच्छा चाहिए, बेस अच्छी चाहिए, इसके अलावा गेमिंग करनी है, तब भी आप लोग आंखें बंद करके इन एयरबड को कंसीडर कर सकते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन एयरबड्स के हवाले से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।